नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और मेरे चैनल फूड मोमेंट्स एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा यानी रवा का हलवा। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होगा और आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये हलवा बनेगा कैसे। बहुत ही अच्छा इसमें टेक्सचर डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा होने वाला है। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है, उसमें डालेंगे हम इलायची को क्रश करके डाल दिया। थोड़ा सा इसमें कलर लाने के लिए हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे केसर के थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी हमने 200 ग्राम चीनी लिया है। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आता है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, हमने चीनी को मेल्ट होने तक का गर्म करना है, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, चला लेते हैं इसको अच्छे से बढ़िया से। तो ये देखिए, हमारे चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई। तो मतलब हम ऐसा ही हमें इसके चाहिए, कोई तार वार कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में घी डालेंगे। तो घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, घी से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और इसमें डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम बेसन डालेंगे। तो 3 चम्मच यहाँ पे हम बेसन डालेंगे और बेसन को थोड़ा सा हम चला लेंगे 2-3 मिनट तक। उसके बाद यहाँ पे हम रवा ऐड करेंगे। बेसन से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, एक नया मतलब फ्लेवर इसमें नज़र आता है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज बना के दिखाएंगे जैसे वो बनाते हैं। उसी के साथ अब यहाँ पे ऐड कर देंगे हम सूजी। सूजी डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, सूजी और बेसन को, बहुत ही बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, नहीं तो बेसन जल जाएगा। और इसको मीडियम फ्लेम में हमें इसी तरह कंटिन्यूसली चलाना है, बेसन चिपक सकता है कढ़ाई पे तो बस जले नहीं, और जल जाएगा तो इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, बस इसी तरह से इसको चलाते रहें बीच बीच में, और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और ये देखिए, जब तेल और सूजी यानी कि घी और सूजी अलग हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारा सूजी बिल्कुल फ्राई हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो बस यहाँ पे अब हम मगज सीड्स डाल देंगे, यानी मस्क मेलन सीड्स ऐड कर देंगे यहाँ पे। और इससे बहुत अच्छा क्रंच बनाता है, बीच बीच में जब एक खाने में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए है, तो डालना है तो डाल सकते हैं। जब ये पक जाए, थोड़ा सा चलाने के बाद यहाँ पे अब हमने जो चाशनी बना के रखी है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि छींटे डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं आए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये छींटे आते हैं और जल सकता है। थोड़ी चाशनी हमने अभी बचा के रखी है, पहले देख लेते हैं कि और रिक्वायरमेंट है या नहीं, इसको चला लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो चाशनी हमने रखी थी वो भी यहाँ पे हम डाल देंगे, क्योंकि इतनी चाशनी हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, तो सारी चाशनी हमारे बिल्कुल लग गई है। तो 1 कटोरी सूजी है, 2 गिलास पानी और 200 ग्राम चीनी डाला हमने इसमें। तो चीनी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं हम लोग, मीठा अच्छा लगता है, तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, परफेक्ट है, ये बन गया हमारा हलवा, ऑलमोस्ट यानी 70% पक गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप भून के भी डाल सकते हैं, घी में फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको काफ़ी देर तक, आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखा था, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो मुझे भीगे हुए पसंद आते हैं ड्राई फ्रूट्स, और इससे वो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो आप इन्हें भूनने से बेहतर है कि इस तरह से पानी में रख दीजिए, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ टेस्ट के लिए वो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे। और ये देखिए, जब हमारी कढ़ाई से ये हलवा अलग नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। ये बिल्कुल डायरेक्ट थिक नहीं होगा, हल्का सा ये गीला रहेगा, और यही इसकी पहचान है। ये बाद में गाढ़ा हो जाता है, रखने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाता है। ये देखिए, पैन से यानी कढ़ाई से ये हलवा बिल्कुल अलग हो गया है। देखिए कितने अच्छे से एक एक
हलवा मतलब अलग हो रहा है और ये सारी बाइंडिंग आई है हमारे बेसन से। तो आप बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत लगेगा। बेसन से घी अलग नहीं दिखता है, अगर आप बेसन नहीं डालेंगे तो सूजी में घी अलग से दिखेगा। तो ये थी हमारी आज की हलवा की रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय।